बिकॉज हमारे ब्रांच का इंटर्न जो था इस बार सबसे अच्छा गया है, लाइक सीएससी से भी अच्छा गया है। 100% मान के चलो कि आपका हो ही जाएगा प्लेसमेंट और इंटर्न कोर में। मोस्टली केमिकल नाम है बट अप्लाइड फिजिक्स है इसमें। हाय गाइस, वेलकम टू हायर माइंड। सो ये वीडियो लाइक बहुत लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था हर वीडियो पे कि आपकी ब्रांच क्या है, ये ब्रांच में कौन सी ब्रांच में। देखो बेसिकली जो अपर ब्रांचेस हैं उसमें मोस्टली लोगों का क्लियर होता है, जो लोअर ब्रांचेस हैं उसका कन्फ्यूजन होता है। बेसिकली जो ये ब्रांचेज हैं इसमें तुम्हें स्टैट्स तो हर जगह मिल जाएंगे, डेटा मिल जाएगा, बट जिस ब्रांच के खुद के लोग हैं, मेरे बैचमेट्स इस ब्रांच में पढ़ते हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है व्हाट इज इन दिस ब्रांच, उनसे बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं रिगार्डिंग द ब्रांच, सो दैट तुम्हें ज़्यादा क्लियर आइडिया हो कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। एंड जस्ट शुरू करते हैं वीडियो, बट उसके पहले जल्दी से लॉ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसे ही आईआईटी और आईआईटीएंस के ऊपर कंटेंट बनाता रहता हूँ, सो दैट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। चलो लेट्स स्टार्ट। हमारे कॉलेज की सबसे माल ब्रांच लाइक सीएससी वगैरह सब छोड़ दो भाई, पेट्रो के लोग। दिस इज रश्मि, दिस इज रवि, से हाय टू द कैमरा गाइस। हाय गाइस। राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हमारे ब्रांच का प्लेस इंटर्न जो था इस बार सबसे अच्छा गया है, लाइक सीएससी से भी अच्छा गया है। तो ये सब देख के तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई ब्रांच। लाइक हाँ, शुरू में इतना थोड़ा सा डाउट था कि शुड आई पिक दिस, बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड आई ऑल्सो गॉट एन इंटर्न। से पेट्रो के लिए क्या कहना है? पेट्रो के लिए भाई कॉलेज तो बेस्ट है, मतलब तुम मतलब कॉलेज आ रहे हो, ISM आओ, पेट्रो लो, मतलब माइनिंग मतलब कुछ और मतलब पेट्रो ले लो। आई मेज मुझे और सिविल मिल रहा था और उसके बाद पेट्रो के बाद माइनिंग मशीन। मतलब इन दिस कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस में? दूसरी कॉलेजेस में मेरे को मिल रहा था NIT वगैरह में मिल रहा था एंड नॉट सो गुड NITs, तो उस हिसाब से इस कॉलेज में तो आई वुड से कि सिविल से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पेट्रो, बिकॉज सिविल के लिए कोर कंपनीज नहीं है बट पेट्रो के लिए काफ़ी सारी कोर कंपनीज हैं, सो इसलिए पेट्रो इज नाइस। सबको पता है ISM का पेट्रो बहुत अच्छा है, बट हम लोग के टाइम में मतलब पहले बीच में थोड़ा सा ये हो गया था कोविड के कारण, बट अभी फिर से बहुत सही हो गया है। कोर्स लोड तो आई वुड से मीडियम है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो ऑब्वियसली कम है, मीडियम सा है। कुछ थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक JEE का। अगर टफनेस भी होती है? हाँ, टफनेस मीडियम है, ज्यादा हाई भी नहीं है और लो भी नहीं है। यार याद करना पड़ता है बहुत सारा। हाँ याद करना पड़ता है बहुत सारा। लाइक तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुम न्यूमेरिकल बनाओ, न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत सारा याद करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल तो है ही नहीं इस सेमेस्टर में। सही, ठीक है, हाँ जिंदगी जी सकते हो, जिंदगी जी सकते हो, ऐसी है। तो क्लासेस बहुत कम रहते हैं। यार पेट्रो में हर चीज में चेक बॉक्स चेक होता जा रहा है, अगर तुम्हें पेट्रो मिल रही है तो आई थिंक तुम्हें ले लेना चाहिए। कोर में एक्चुअली प्लेसमेंट के टाइम पे आती है ONGC विच इज़ अ PSU, सो ऑब्वियसली सारे लोगों का ड्रीम पेट्रो में तो सबका वही है ड्रीम, एंड काफ़ी सारे लोगों को लेके जाती है। लास्ट टाइम हमारे ब्रांच से 17 लोगों को लेके गई थी आउट ऑफ अ बैच स्टेंट ऑफ 65, सो सारी ONGC में 17 लोग थे। और उसके अलावा केन आती है, वेदांता केन, तो उसमें भी करीब 20 बच्चे जाते हैं। उसके अलावा SR ऑयल है, रिलायंस है, श्लम्बर्जर भी है, एग्जॉन मोबिल भी है, तो कोर के लिए तो काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं। ओके, एंड प्लेसमेंट्स भी आई थिंक 100% लास्ट टाइम 100% हर बार 100% होता है। ओके 100% पेट्रो वाला। कोडिंग में लास्ट ईयर हमारे एक सीनियर थे, लाइक जो मेरे क्लब के सीनियर थे, तो उनका पैकेज था 40 लाख्स पर एनम का, वो कोडिंग करते थे, कोर में नहीं था उनका। और भी कुछ एक सीनियर्स गए थे कोड में, तो जिसको कोड करना है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि IIT है। ओवरऑल लाइक अगर कोई ब्रांच मिल रही है और तुम्हें पेट्रो मिल रही है लोअर ब्रांच में तो पेट्रो ले लो, क्योंकि अगर कोडिंग करनी है तो लाइक उसके लिए तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं ही, बाकी कोर में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज। काउंसलिंग में अगर तुम्हें पेट्रो मिल रहा है एंड इफ यू वॉन्ट टू गो टू एन IIT, सो अच्छा है, बिकॉज अगर इससे और कोई ब्रांच देखोगे इसी रैंक पे तो उस पर कोर की कंपनीज नहीं है, तो यहाँ पे यू ऑल्सो गेट कोर कंपनीज, यू ऑल्सो कैन डू कोड एंड यू ऑल्सो गेट द एक्सपोजर ऑफ एन IIT। और एलुमनाई बेस बहुत भयंकर है, ISM का भयंकर है एलुमनाई बेस पेट्रो का, मतलब पेट्रो इज अ बिग बिग यस अगर तुम्हें मिल रहा है तो। सो दिस इज प्रिया, दिस इज यश भारती। तो प्रिया बता तेरी क्लास में रैंक, GPA नहीं पूछूंगा, क्लास में रैंक बता कितनी आती है? 10 में आ जाती है, फर्स्ट 10 में, 35 ही लोग हैं वैसे। आउट ऑफ 35 टॉप 10 में, और तेरी लास्ट 10 में। मैं तो हैप्पी हूँ, बट मेरे को उम्मीद थी कि मेरे को डबल मेजर मिल जाएगा, लास्ट सेम ऑफलाइन हो गया, इस वजह से मेरा GPA अच्छा नहीं आया, नहीं मिली डबल मेजर। वैसे तो ब्रांच का ऐसे कंटेंट
दूसरे ब्रांचेस से काफ़ी रिलेटिवली ईजियर है, जैसे मैकेनिकल वगैरह से थोड़ी ईजी है, तो रिग्रेट तो नहीं होता है। मेरे को आईआईटी जम्मू में केमिकल मिल रहा था, आईआईटी तिरुपति में सिविल मिल रहा था, और बाकी जो लोअर आईआईटी से पलक्कड़ वगैरह इस सब में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सीएससी एमएनसी इन चार के अलावा और ब्रांचेस मिल रही थी और नीचे नीचे आईआईटीज में, बट कोई सेंस नहीं था। आई थिंक सेम फॉर यू, तो मतलब यू थिंक कि अच्छा किया यहाँ ले लिया। हाँ, बेटर डिसीजन है, मतलब अगर आपको अर्थ साइंस ब्रांच मिल रही है तो अच्छा आईआईटी प्रेफर करो। तो फिर लाइक एनवायरो का कोर्स लोड कैसा है? बहुत ज्यादा इसको बहुत कम लगता है, तभी इसकी जीपीए कम तो नहीं, बट कम तो है, एग्जैजरेट कर काफी। मतलब ज्यादा पे नहीं एक्सपेक्ट करते तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आप 100% मान के चलो कि आपका हो ही जाएगा प्लेसमेंट और इंटर्न कोर में अगर एनवायरो ले रहे हो आईएसएम से तो, बट ज्यादा पे चाहिए तो फिर तो कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। और एक चीज है कि बीटेक एनवायरो सिर्फ यही आईआईटी देती है, तो इसका थोड़ा एडवांटेजेस है। इन दोनों की इंटर्न लग चुकी है, टाटा और केन दोनों में, मतलब दिख रहे थे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनवायरो में ऑलरेडी। कॉलेज में एनवायरनमेंट बेसिकली पूरा कोडिंग का ही है, और अर्थ साइंस ब्रांच में ज्यादा टाइम मिल जाता है कोडिंग वगैरह करने का। अर्थ साइंस ब्रांचेस में बाकी की बात करें तो सब ब्रांचेस बहुत ट्रेडिशनल है, माइनिंग, पेट्रोलियम, एनवायरो थोड़ी सी यूनिक ब्रांच आ जाती है अर्थ में, तो मुझे तो बेटर लगती है इसमें। एनवायरनमेंट थोड़ा अपकमिंग ब्रांच भी है, क्योंकि जैसे अभी थोड़ा COP26 एंड ऑल की वजह से एनवायरो का थोड़ा लाइक जरूरत भी ज्यादा है, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रोइंग ब्रांच, से ले सकते हो, और आई एस एम में बहुत अच्छा। रैपिड फायर राउंड है, ठीक है, स्टार्ट। रिग्रेट कर नहीं सकते क्योंकि बाकी ऑप्शन नहीं थे मेरे पास। सब लोअर आईआईटीज में सेम या फिर उससे लोअर ब्रांच, एक या सिविल भी मिल रही थी, तो आई डोंट थिंक इससे बेटर कुछ था, तो आई चोज कॉलेज ओवर ब्रांच। सेम सा था, मतलब ज्यादा मिल नहीं रहे थे, केमिकल था जोधपुर वगैरह में, मतलब लोअर आईआईटीज बाकी में। मतलब यू थिंक जो मिल रहा था आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस केमिकल लेना बेस्ट था, और तब जुनून में थे कि ब्रांच चेंज हो जाएगा। हाँ, तो क्यों नहीं हुआ ब्रांच चेंज? सांप निकला, सांप को पाल रहा था। मतलब मोस्टली केमिकल नाम है, बट अप्लाइड फिजिक्स है इसमें। जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है मोस्ट ऑफ द पार्ट उसी से ही है, और हर सेमेस्टर एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जो मार लेता है अच्छे से। मतलब जिनको केमिकल मिल रही है तो उनको डरा रहे हो, क्या कर रहे हो? डरा नहीं रहे, बस यही है कि समझ के लेना, ऐसे नहीं कि हो जाएगा कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंटर्नशिप स्टैट्स, जीरो। इंटर्नशिप के लिए अभी तक तो एक भी कंपनी आई नहीं है केमिकल में, और दिख भी नहीं रहा ज्यादा स्कोप इंटर्नशिप में, प्लेसमेंट में बोलते आती है। बट मैम की खुद अमेज़न में इंटर्न लग रखी होगी, आपने अगर देखा है मेरी पुरानी वीडियो। अच्छा ठीक है, मतलब चलो कोर्स लोड भी है ठीक ठाक, और इंटर्नशिप में उतनी नहीं है, बट फुल टाइम में शायद कुछ कंपनीज आती हैं, और विद डे इम्प्रूव हो रहा है विद टाइम। केमिकल में करना है तो हायर स्टडीज अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह प्रॉफ्स तो काफी अच्छे हैं, लाइक दे हैव गुड कनेक्शंस, हेल्पफुल है, बाकी प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर देते हैं प्रॉफ्स। आई हर्ड तुम्हारा जो ब्रांच टॉपर है वो एमआईटी में भी इंटर्नशिप करने जाएगा अगले समर। तो लाइक मतलब यू कैन सी मैसाचुसेट्स जैसा कॉलेज। हाँ भाई, अगर इफ यू वांट टू गो इनटू केमिकल फॉर हायर स्टडीज तो बहुत अच्छा है। कोडिंग में कंपनीज खुलती है कि नहीं केमिकल के लिए? खुलती है 75% खुल जाती है। अगर दूसरे कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल रही है तो कॉलेज चूज कर लो, प्रेफर कॉलेज ओवर। चलो देख रहा है मेरा गड्ढे हो गए हैं, खुद के गाल पे माइनिंग करने लगे हो। इंस्पायर्ड फ्रॉम माइंस, यही था जो मिल रहा था। उस हिसाब से देख के तो अच्छा भी लग रहा है, और अगर बाकी पांच होता है तो बुरा भी लग रहा है। नहीं, अगर देखा जाए तो बस कॉलेज लिया है जस्ट फॉर द नेम, क्योंकि ब्रांच तो उतनी अच्छी नहीं है, बट लेकिन ऑब्वियसली अच्छे ब्रांचेस मिल रहे थे, बट एनआईटीज में मिल रहे थे, मेरा टेक तो ये। एटलीस्ट यार लिस्ट तो अच्छी बनाना, इसकी जैसी बेवकूफी मत करना, रुड़की का सिविल छोड़ के बैठी है एट एनी डे, लाइक वो ऊपर होना चाहिए। माइनिंग में आए थे बहुत एंथुसियाज्म के साथ, फिर कॉलेज आते एक्सकर्शन में चले गए, एकदम लाइक 400 फीट जब जाओगे ना जमीन के
तब पता चलेगा माइनिंग ली है। मिड सेम से या एंड सेम से पहले दो दिन पहले पढ़ोगे तो भी हो जाता है, ठीक है, और अगर क्लास में सुनोगे उसके बाद में पढ़ोगे भी नहीं तो भी हो जाता है। ISM इज इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, तो प्रोफ्स होंगे तो काफी रेप्यूटेड। एग्जैक्टली, लाइक बहुत रेप्यूटेड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं, कुछ अच्छे हैं जो बच्चे हैं जो कोर में बहुत एक्सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोग अच्छे हैं यहाँ पे, बट एक दो दिन में हो जाता है। कोर की कंपनी आएगी तो तुम्हें दामाद बना के ले जाएगी, तुम्हारे दोस्त लोग काफी प्लेसेस होते रहेंगे और फिर कोर का आएगा बट तुम उठ जाओगे। और एक भी लड़कियों के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ गर्ल देन जस्ट कम इन। इतना भी सच नहीं बोल रहा था। माइनिंग का जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना वो बहुत लाइक ऐसे सेग्रीगेटेड है, तो एम्पल टाइम और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट वही है तुम्हारे विल पे कितना करना चाहते हो। अच्छा, स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ कोडिंग, क्या सीन रहता है कोडिंग के लिए? लाइक हाँ, हमारे ब्रांच में बच्चे हैं जो एक्सेल कर रहे हैं, बट स्टिल यार देखो ज़्यादा होप्स मत रखना इनिशियली, क्योंकि कंपनीज खुलती हैं, कटने वाला तो रीज़न रहता ही है, अनटिल अनलेस तुम बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हो या तुम्हारा CV बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी CGPA। तो भाई यार, मतलब अगर एक जगह कहीं लो पे हो, अब तुम माइनिंग ब्रांच पे रह के कोडिंग में एक्सेल करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें फिर कुछ ना कुछ अच्छा तो करना ही पड़ेगा ना दिखाने के लिए कि तुम कर सकते हो। और हायर स्टडीज का क्या सीन रहता है? क्या करोगे इतना पढ़ के? यहाँ पे है काफ़ी अच्छा है, लाइक अलास्का इज़ वेरी रेनाउंड फॉर माइनिंग, तो यहाँ पे हमारे दो सीनियर्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स में हैं। यार देखो, जिसमें मन हो उसमें चले जाओ। हाँ। बस गलती नहीं करना यार, मतलब अगर तुम अपने बस ऑप्शंस वे करो, क्योंकि नाम IIT का बहुत होता है, तो बस यही है कि अपने अपॉर्चुनिटीज वे करो और नाम के पीछे जाओ अगर तुम्हें ब्रांचेस अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो। तो अगर तुम्हें बेसिकली और कुछ करना है तो पहले अच्छे कॉलेज की तरफ भागो। जो ये ब्रांचेस थी, केमिकल, एनवायरो, पेट्रो एंड माइनिंग, ये मेन कंफ्यूजिंग होती है। इसके अलावा जो बाकी ब्रांचेस हैं वो लो स्ट्रेंथ की हैं, लाइक अर्थ साइंस तो सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ का। अगर तुम्हें अर्थ साइंस में इंटरेस्ट है और जाना है तो रिसर्च के लिए आ भी, हायर स्टडीज के लिए। और उसके अलावा अगर नहीं मिल रहा है तो आई वुड से कि गो फॉर कॉलेज, क्योंकि कॉलेज को प्रेफरेंस देना हमेशा राइट है अगर तुम्हें कुछ ब्रांच में खास इंटरेस्ट नहीं है तो, क्योंकि इन सारी इसके अलावा जितनी ब्रांचेस हैं सब में एक और अपॉर्चुनिटीज़ हैं लगभग लगभग, तो लुक एट कि क्या बेस्ट मिल रहा है। और मुझे ये वीडियो जल्दी निकालनी थी क्योंकि कल जो है लास्ट डेट है तुम्हारे का, विच इज़ 21st लास्ट डेट फॉर जोसा काउंसिलिंग फाइनल रजिस्ट्रेशन। अगर फिर भी तुम्हें कुछ डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं उसके हिसाब से सोचता हूँ अगले पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो प्लीज। Fearless.